शाम देखो राज्य सरकार का एक जनहितकारी कदम प्रशासन गांवों के संग का आयोजन चूरू जिले के बिदासर तहसील के सांडवा कस्बे में हुआ और नव निर्वाचित विधायक श्री मनोज जी मेघवाल हमारे यहाँ पधारे हैं। हम सर्वप्रथम फेक्ट तंत्र टीम की तरफ से अभिनंदन स्वागत करते हैं। धन्यवाद। राज्य सरकार के इस सिस्टम को, इस प्रशासन गांवों के संघ को सफलता के किस चरम बिंदु पर देखते हो? मुख्यमंत्री जी का हमेशा सोच रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे राहत प्रदान की जाए। कई बार छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो आलसवश आदमी वहाँ जाता नहीं कि वहाँ जाएंगे, पैसा लगेगा, अधिकारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काम होगा कि नहीं होगा, और इस कारण से बहुत से ऐसे काम उनके पेंडिंग पड़े रहते हैं। कुछ ऐसे विवाद हैं कि जो परिवार में या आपस में हैं और वो सारे पक्ष वहाँ जाके उस विवाद को सुलटा नहीं सकते, और अगर कोई सुलटाना चाहते हैं तो उसमें भी तारीखें और कई पेचीदगियाँ रहती हैं। पर इस अभियान में बहुत से ऐसे छूटें दी गई हैं, बहुत से ऐसे सरलीकरण किए गए हैं, तो इस प्रकार के जो विवाद हैं, जो छोटे छोटे काम हैं, उनको क्यों ना मौके पर निपटाया जाए। यही सोच लगाकर मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान में अभियान लेके आए हैं कि क्यों ना प्रशासन को ही गांव में ले जाए जाए, और उसी क्रम में हर पंचायत मुख्यालय पर आज 22 विभाग एक जगह बैठ के और इस अभियान को सफल बनाने के लिए लग रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी की जो आशा और भावना है, उस भावना का पूर्ण रूप के अनुरूप पूरा प्रशासन लगा हुआ है इसको सफल करने के लिए। उम्मीद है कि जब ये 31 दिसंबर तक ये फर्स्ट चरण, उसके बाद में 31 मार्च को जब अभियान खत्म होगा, पूरा विश्वास है कि जो मुख्यमंत्री जी भावना है उसके अनुरूप ये अभियान सफल होएगा। अभी आप कह रहे थे कि किसान अगर समृद्ध है तो देश समृद्ध है। किसानों के नाम पर बड़ी राजनीति इस देश में होती रही है और वर्तमान में भी केंद्र सरकार के बिल जो लागू किए जा रहे हैं उसके विरोध में किसान सड़कों पर है, क्या कहना चाहेंगे? किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। आप जानते ही हैं कि एक समय था जब पूरी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की कृषि आधारित थी। आज भी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो कृषि क्षेत्र से ही है, और आज भी आधी से ज़्यादा आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। एक समय था जब 80-90% आबादी कृषि से जुड़ी हुई, पर आज भी 70% आबादी सिर्फ और सिर्फ कृषि से जुड़ी हुई है। अगर वो कमज़ोर होगा, वो अगर दुखी होगा, तो ये देश कभी आगे नहीं जा सकता। और इसलिए आज किसान, हम जानते हैं कि लगभग एक साल होने को आ रहा है, सड़कों पर बैठा है, पूरी राजधानी को घेरे भी हुए हैं, पर बड़ी दुख की बात है कि केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि आज उनसे वार्ता करने के लिए नहीं आया। आज तक न उनसे कोई वार्ता की जा रही है, न उनको आश्वासन दिया, और जो 3 काले कानून लेके आए हैं उस पर भी न तो कुछ बोल रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, न प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक शब्द बोला है इसमें कि आप भाई इतने किसान देश है क्यों बैठे हो, क्या कारण है, क्या समस्याएं। कम से कम उनको बुलाए, उनकी समस्याएं सुने, और उसके बाद में जो हो सके निर्णय करे, करे या नहीं करे, पर उनकी बुला के, उनको कार्यालय में बुला के उनकी समस्याएं तो सुने, उनका प्रतिनिधि बुलाओ 5 आदमियों का। ठीक है, लाखों आदमी सड़कों पर बैठे हैं, 5 आदमी 11 आदमी तो उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाएं, उनसे वार्ता करें, उनकी समस्या सुने, और ऐसी क्या मजबूरी है कि उन 3 काले कानून हैं उनको रोक नहीं सकते, उनको वापस नहीं ले सकते। अगर कोई उसमें खामियां हैं तो क्यों नहीं किया जा सकता, बिल्कुल करना चाहिए। अभी बारिश के कारण राम खुश है, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण राज नाखुश है। बिजली की समस्या किसानों की बहुत बड़ी समस्या, किसानों की नहीं, इस भीषण गर्मी में, डेंगू के प्रकोप में बिजली का चला जाना, कोयले की कमी बताना, क्या किस दृष्टि से देखते हो? देखिए, पूरे देश में अभी एक घोर संकट आया है कोयले का, और जिसके कारण जो थर्मल प्लांट है, जो कोयले आधारित प्लांट है, उसमें प्रोडक्शन कम हो गया या बहुत से बंद हो गए, और इसलिए बहुत पूरे देश में एक ज़बरदस्त संकट इसमें, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बिजली का संकट उत्पन्न हुआ है। निश्चित ही केंद्र सरकार की भी लापरवाही है इसमें कि कोयले का जो है वो वितरण उनके हाथ में है। कोल इंडिया केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा जो अपनी जो कंपनियाँ हैं, नवरत्न कंपनियाँ, उनमें से एक कोल इंडिया है, उसको ज़रूर उनको देखना चाहिए था कि एक साथ इतना बड़ा संकट देश में क्यों आया, क्यों कोयले की कमी हुई। अगर कोयले की कमी थी क्यों नहीं बाहर से आयात किया गया टाइम पे? आज जानते हैं कि अगर कहीं से आयात करने पे महीनों लग जाते हैं कोयले को,
आज कोयले के माइंस में पानी भर रहा है, तो वो क्यों नहीं उन्होंने प्रबंध किया, या भर रहा है तो उसको निकालने का प्रबंध क्यों नहीं किया, या अल्टरनेट प्रबंध क्यों नहीं किया, जब पता है कि अपने पास एक महीने दो महीने का कोयला है और पानी भर रहा है, तो उसी समय तुरंत उन्होंने व्यवस्था करनी चाहिए कि दो महीने बाद में संकट आने वाला है, क्यों उन्हें बाहर से इम्पोर्ट किया जाए या अल्टरनेट व्यवस्था की जाए। बहुत केंद्र सरकार की लापरवाही और आज आम आदमी और किसान भुगत रहे। राज्य सरकार रोजगार की बात करती है और रोजगार के लिए बहुत बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करवाती है। आप एक विधायक हो, अभी बहुत बड़ा एग्ज़ाम राज्य सरकार ने करवाया, शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने कहा कि इस एग्ज़ाम को गिनीज बुक में भी नाम दर्ज करवाएंगे, रीट एग्ज़ाम, और वह सवालों के घेरे में है, क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगार आपसे बड़ी उम्मीद कर रहे हैं क्षेत्र की कि मनोज जी भी हमारी बात रखें कि रीट में बड़ा स्तर पर घोटाला हुआ है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रीट का एग्ज़ाम जिसमें करीब 25-26 लाख विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया और सरकार ने बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की थी, और आपने देखा होगा कि बड़ी तैयारियों के साथ इसको संपन्न कराया था, बहुत अच्छे से संपन्न हुआ था, पर कुछ एक दो घटनाएं ऐसी हुई हैं और जिसके लिए सरकार पीछे पड़ी हुई है, और जो उसमें हुआ है उसको सामने भी ला रही है। एक दो जगह दुबई जहाँ हुआ है वहाँ वापस एग्ज़ाम का भी प्रबंध किया है और एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, और जो इसमें लापरवाह जो इसमें सम्मिलित लोग थे उनको भी कल गिरफ्तारी हुई है, और आगे भी कोई भी निकल के आएगा सरकार इसके प्रति गंभीर है, उसका जो मेन आदमी हो वो कल गिरफ्तार हुआ है, उसके पीछे भी कोई होगा, सरकार छोड़ेगी नहीं। इतने समय तो हम आपसे बात की कि विधायक के तौर पर, अब आप सांडवा में आए हो, सांडवा के जनता ने आप लोगों को दो तीन समस्याओं से अवगत कराया। एक बहुत बड़ी समस्या है मनोज जी, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहूँगा, चोरियों की समस्या, यहाँ पर 8-10 चोरी हुई है और एक भी चोर पुलिस प्रशासन के कब्जे से दूर है, और ऐसे गरीब लोगों की भी चोरियाँ हुई है जिनके पिताजी का निधन हो चुका था, वो घर पर नहीं थे, और उनका भी पत्नी का बहन का गहना चुराया गया, उस पर भी पुलिस ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। क्या आप एक प्रतिनिधि हो और आप एक सरल स्वभाव के प्रतिनिधि तौर पर जाने जाते हो, क्या पुलिस प्रशासन से आग्रह करोगे, जनता की भावनाओं को किस कदर आप समझोगे? जी बिल्कुल, जो समस्या आज बताई है कि चोरियों के, पुलिस प्रशासन को बिल्कुल इस निर्देश भी दिया जाएगा, उनको पाबंद भी किया जाएगा कि गश्त भी बढ़ाई जाए, और जो चोरियां हुई है उनसे आग्रह, उनसे कहा जाएगा कि आप इनका निस्तारण करने की कोशिश करो, अगर एक दो चोरियां खुलेगी तो उसके साथ सारी पीछे से खुल के आ जाएंगी, ये मुझे विश्वास है, और पुलिस को ज़रूर इसमें पाबंद किया जाएगा और उस सिद्धिकरण से बात करके इनको आगे किया जाएगा। और कोई पुरानी एक दो समस्याएं थी उनका भी निदान किया। सबसे बड़ी समस्याएं में एक सड़क की बताई जा रही थी बार बार, जब शुरू में आया था वो सड़क का कार्य भी स्वीकृत होके और उसमें भी काम चालू हो चुका है, इस समय जल्दी पूर्ण हो जाए। सांडवा अस्पताल से ऐसे डॉक्टर निकले हैं जो जिले की कमान संभाली है, चाहे बात मैं अजय चौधरी की करूँ, चाहे मैं जहाँ की डॉक्टर की करूँ, लेकिन वर्तमान समय में सांडवा अस्पताल के हाथ बड़े दर्दनाक है, अभी जनता ने आपको बताया, क्या कहना चाहोगे? सांडवा की डॉक्टरों की कोई समस्या है तो डॉक्टर सभी लगे हुए हैं, सीएससी के कुछ समस्या है जो भवन की ओर की, उसका संज्ञान लिया गया है, उसके बारे में कार्यवाही चल रही है, जल्दी उस समस्या को समाधान। ये डिजिटल एक्सरे की मांग की जा रही है लोगों के द्वारा, अभी कोई मेरे पास मांग नहीं है, कोई होगी तो देखेंगे बिल्कुल आगे, पहले जो समस्याएं थी। बिल्कुल, हमारे साथ ये क्षेत्र के विधायक मनोज कुमार जी मेघवाल थे जिन्होंने अपनी बात रखी और कहा मैं समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करूंगा, और प्रशासन गांवों के संघ कितनी सफलता है ये तो शाम को 5 बजे बताया जाएगा कि कितने पट्टे जारी हुए और कितने लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बने, कितने के मृत्यु प्रमाण पत्र बने। हालांकि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन लोगों को आज उम्मीद थी पट्टों का, और यहाँ लोगों का आरोप भी है कि हमें बताया नहीं गया। आपकी क्या समस्या आप बता रहे हो, हमारी आबादी नहीं कटी है, उसके बारे में क्या कहना? हमारा ये कहना है कि हम जिस घर में रहते हैं वो 50 साल हो गए, अभी तक वो आबादी क्षेत्र में नहीं आया, और हम लोगों को साहूकारों से ऋण 2 रुपये प्रति सैकड़ा लेना पड़ रहा है। यदि पट्टा बन जाता तो हम आसानी से बैंक से ऋण ले सकते थे। ये पट्टा आबादी में नहीं आने के कारण पट्टा नहीं बन रहा है, और पट्टा नहीं बनने के कारण हम लोन से वंचित हैं। बिल्कुल, ग्रामीणों की बहुत बड़ी समस्या है। सांडवा चूरू जिले का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है और 50% आबादी आज नहीं घटी है, और हमारे साथ संदीप जी गोदारा है, युवा समाज से हम उसे बातचीत करेंगे। आबादी में नहीं घटना कितनी बड़ी समस्या मानते? बहुत बड़ी समस्या सर, तो इसका समाधान के लिए क्या प्रयास किया जाए? ग्राम पंचायत को एकदम प्रशासन के पीछे होकर काम करना चाहिए बराबर, ताकि ये सॉल्यूशन हो सके। ठीक है सर, धन्यवाद।